हेलो दोस्तों, तो आज मैं अपने यूनिसेक्स में हूँ और एक बड़ा यूनिक केस आया हुआ है मेरे पास कि उनका हेयर अपने आप ड्रेडलॉक्स क्रिएट हो रहा है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे ड्रेडलॉक्स ऑटोमेटिकली बन रहा है उनके बालों में और वो बहुत परेशान है। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको सैलून अपने। हेलो मैम, तो आप देख सकते हो इनके हेयर में ये अपने आप ये ड्रेडलॉक्स क्रिएट हो रहा है। ये पता नहीं रीज़न क्या है, हमारे लिए तो बहुत ही यूनिक केस है ये। जैसे बच्चों के हो जाते हैं वैसे इनको चारों तरफ से हेयर काफी लॉक सा लगा हुआ एकदम। यस, लॉक हो गया। और बेटा बाल तुम पानी डालोगे ना एकदम नरम हो जाएंगे। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम कब से है आपको? कब से क्या हो गया ना, 32 साल बाद। अच्छा, 32 साल बाद हुए। अच्छा, तो मतलब 40 साल शादी के हो गए, दो बार हो गए, पहले दो बार हो गए। अच्छा, हाँ, तो मतलब दो बारी से हो रहा है और आपने कुछ करवाया नहीं अभी तक? तो जब तो हुआ ही नहीं था, ठीक तोड़ तोड़ के निकाल दे, ठीक रहते थे बाद। अच्छा, मतलब 32 साल पहले था। हाँ, और अब हाँ उससे 7-8 साल पहले हुआ एक बार, जब शादी नहीं हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। कीर्तन करते करते गली में हो गए थे, बाल बन गए थे। अच्छा, फिर तोड़ तोड़ के निकाले, फिर उसके 8 साल बाद दो बच्चे हो गए, फिर हो गए। अच्छा, फिर लेके गए मातम मोते के बाल टूटे, उन्होंने कहा ज्वाला जी की बनती है, तो जब कराया तो फिर उन्होंने इलायची लौंग दी मुझे, मैंने करा उसके जो करना। अब फिर 32 साल बाद अब ऐसे बन गए कि ये टूट भी नहीं रहे, ये सारे ऐसे बन गए। आप रेगुलर हेयर वॉश करते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं करती। अच्छा, तो गाइज आप देख सकते हो ये चारों तरफ से लॉक हो गया ये। हाँ, लॉक हुए पड़े, यही मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसा कैसे हो गया। हाँ जी, कोई नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं इसको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आप, हम लोग अभी हेयर ड्रेसर से डिस्कस करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिससे इनके बाल थोड़ा सा नॉर्मल टेक्सचर में आए और इजीली कॉम्ब हो सके। कुछ हम लोग ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं है। अभी हम लोग खुद ही आपको अपने फर्स्ट स्टार्टअप से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको हम लोग स्पा करें, ठीक है, और उससे खोल करके देखें बालों को कि मतलब कितना स्मूथ हो पाता है, ठीक है। दूसरा, हम कैरेटिन और बोटॉक्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हम लोग इस स्टेज पे नहीं करेंगे। ये हमारा पहला स्टेज स्पा ही होगा, तो वो ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है, आप टेंशन नहीं लो। नहीं नहीं, स्पा ही करेंगे अभी, बहुत अच्छा वाला स्पा करेंगे। हमारे पास कौन कौन सा है, किससे करें हम लोग स्पा? लॉरेल का ही स्पा करते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट रिपेयर भी तो सही रहेगा, मे बी हेयर भी रिपेयर हो। नहीं, वो सिरम में डलेगा ना, उसमें और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अभी आपका सबसे पहले स्पा ही करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसीजर अभी हम लोग वॉश करने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी स्पा करने जा रहे हैं क्लाइंट की, या थोड़ी देर लगा के छोड़ दो ना इसको। छोड़ दो, अंदर तक जाएगा। तो छोड़ो, फूलने दो। हाँ, फूलने दो, थोड़ी देर फूल जाएगा ना। वही तो कह रही, फूलने दो इसको। किधर से डाल गर्म पानी कर लो। आप देख सकते हो गाइस कि किस तरीके से ये बाल ओपन ही नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे हेयर ड्रेसर्स को। और ये लोग फिर टेल कॉम के बैक एरिया से एक एक करके बालों को डिटैंगल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोसीजर बहुत ही पेनफुल था मैम के लिए, वो काफ़ी बीच बीच में रो रही थी और क्या बताऊँ, बहुत बुरा लग रहा था मुझे भी हेयर का ये कंडीशन देख करके उनके। एक तो उनकी एज ज़्यादा थी और वो बहुत पेन फील हो कर रही थी, काफ़ी रो रही थी, बीच बीच में काफ़ी बालों के गुच्छे निकल रहे थे।
बट अगर नहीं सुलझाया जाता तो इनको पूरा मुंडन ही कराना पड़ता अपने हेयर का। आप देख सकते हो नीचे काफ़ी सारे गुच्छे पड़े हुए हैं हेयर्स के, तो वो बार बार बालों को पकड़ के रोए जा रही थी, जो कि मैं एकदम सामने से आपको नहीं दिखा सकती उनकी कैसी कंडीशन थी। आप पीछे से देख सकते हो कितनी मुश्किल हो रही है डिटेंगल करना, बीच बीच में छोड़ा जा रहा था बिकॉज़ उनको रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी था। आप देख सकते हो अगेन प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया गया और उनको बहुत पेन हो रहा था, वो काफ़ी रो रही थी, बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, ये सही होना बहुत ज़रूरी था उनके लिए। धीरे धीरे वो डिटेंगल्ड हो रहे थे और बहुत ही, ये पूरे प्रोसीजर में हम लोगों को अराउंड 3 to 4 hours लग गए मैम के बालों को सुलझाने में। ये पूरा प्रोसीजर बहुत ही पेनफुल था, बार बार वो रो रही थी और अपने हाथों से अपने बालों को पकड़ रही थी। आप देख सकते हो उनको बहुत पेन हो रहा था। तो गाइज आपको अपने बालों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होने दे। काफ़ी मेहनत के बाद बाल ऑलमोस्ट 70% सुलझ गए हैं। तो आप देख सकते हो बाल सारे सुलझ गए हैं और ड्रायर से उनको सुखाया जा रहा है बालों को। मेरी क्लाइंट भी काफ़ी हैप्पी है, बालों का वैसे तो बहुत नुकसान हुआ है इनके, क्योंकि बहुत ही बुरे कंडीशन में ये हेयर्स आए थे हमारे पास और अब आप इनका रिज़ल्ट देख सकते हो। कितनी मेहनत करनी पड़ी मेरे स्टाफ को इन बालों को सुलझाने में, इस कंडीशन में लेकर आने में। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप अपने बालों का बहुत 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 ध्यान रखेंगी। इतना टाइम भी लगा और तो मुझे दर्द हुआ, नहीं तो मैं तो तिरुपति बालाजी जाती भाई मुंडन करा जाती। मैं तो बहुत मेहनत करी, मेहनत रंग लाई बच्चों की, नहीं तो सबने हाथ जोड़ लेते, हमारे बस के उलझे होते हम सुलझा देते, मगर जैसे जटा बनी हमने में हाथ नहीं डाल सकते, मतलब बच्चे थे इन्होंने कर दिए, चारों लड़कों ने बहुत मेहनत करी। तो गाइज आप देख सकते हो इनके ड्रेड लॉक्स को हम लोगों ने टोटली रिमूव कर दिया है और अब आप हेयर को देख सकते हो कितना स्मूथ और सारे ओपन हो गए हैं, सारे टैंगल्ड हेयर थे और हम लोगों ने सारे ओपन किए, काफ़ी टाइम लग गया है। तो मैम कैसा लग रहा है आपको बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत थोड़ा पेनफुल रहा आपका ना, पेन हो रहा था ना, दर्द हो रहा था ना? बहुत दर्द अभी भी मेरे को हो रहा है। अच्छा अभी भी दर्द हो रहा है। आप ना कम से कम हर 10 दिन पे आपको आना पड़ेगा हम लोग के पास, ठीक है? फिर हम लोग हेयर स्पा देते रहेंगे तो इससे आपके बाल ना सॉफ्ट और सुलझे हुए रहेंगे, ठीक है? वैसे ड्रेड लॉक्स जो जटा बन रहा था ना वो नहीं बनेगा, ठीक है? तो आप हैप्पी? तो जटा तो पता नहीं कैसे बन गया, मतलब घर में ही सनसिल्क शैम्पू सनसिल्क लगाते थे, वो ही करती थी। कोई बात नहीं, आप वो सब करना, बट रेगुलर कॉम भी करना है, रेगुलर आप रेगुलर ही कॉम करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कैसे 3 बार बन गए ना लाइफ में, ये सब भी ज्यादा कठिन थे जो आप लोगों ने हाँ भर के कर दिए। हर कोई हाथ जोड़ रहा था, कह रहे हैं हमारे पास, कह रहे उलझे होते हैं तो हम कर देते, ये जटा बनी हम कैसे करें, तो ये आपके इनके मेहनत सारी है, मेरी पूरे टीम की मेहनत है। 4 घंटे कम से कम हो गए। हाँ, तो साजिद ने बहुत मेहनत करी है, मेहनत करी बच्चों। एग्जैक्टली, तो साजिद बहुत बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा। हिम्मत नहीं हारे बच्चों ने, हिम्मत नहीं हारे, साथ दिया मेरे 3-4 घंटे तक लगे रहे। चलो थैंक यू साजिद, थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। और अब आपको आना पड़ेगा, ठीक है? हैप्पी हो आप? खुश? चलो ठीक है, आप देख सकते हो आफ्टर रिजल्ट इनके। स्टे ट्यून गाइस, थैंक यू।